तो तुम्हें पता है 2 का क्यूब कितना होता है? आइए सीखते हैं पहले क्यूब करना, फिर भरेंगे इसकी वैल्यू। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्यूब के ऊपर। 1 का क्यूब यानी पावर 3। अब पावर 3 लगा दी तो 1 × 1 × 1, 3 बार गुणे किए तो 1 ही आएगा, हमको 1 ही प्राप्त होगा। बात करें 2 के क्यूब की, 2 का क्यूब में 2 को 3 बार लिखना है, 1, 2, 3, और देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 3 का क्यूब जब मैं कर रहा हूँ तो 3 × 3 × 3, 3 बार लिखनी, 3 पावर 3 का मतलब 3 बार लिखनी है। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो इसका क्यूब कितना हो 27। अगर 4 का क्यूब करना हो तो 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, और 16 × 4 = 64, तो 64 यहाँ पे इसका क्यूब होता है। 4 का क्यूब कितना हो 64। 5 का क्यूब करना है तो 5 × 5 × 5 करना है, 5 × 25, 25 × 5 = 125 यहाँ पे आ जाएगा। 6 का क्यूब करना है यहाँ पे, 6 × 6 × 6, 6 × 36, और 36 × 6 कितना आ जाएगा 216। ठीक है, 7 का क्यूब करना है, 7 × 7 × 7 इज इक्वल कितना आएगा 7 × 7 = 49, और 49 को इससे करेंगे तो 4 × 3 = 4, 343 आ जाएगा यहाँ पे। 8 का क्यूब करना है, 8 × 8 × 8, ठीक है, 8 × 2 = 64, 64, और 64 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे, आ जाएंगे 512। अब 9 का क्यूब जब हम कर रहे हैं, जब 9 का क्यूब कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे 9 लिखो फिर 9 लिख दो, तो 9 × 81, और 81 को 9 से करोगे तो कितने आएंगे 9, दो 9 तो सबसे पहले आ जाएंगे, 9 81 से 9 को करो, और 8 बार किया तो 972 यानी कि 729 आ जाएगा। 10 का क्यूब जब करोगे आप, 10 का क्यूब जब करोगे तो 10 × 10 × 10 × 10, तो 3 बार 10 लिख दिए तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान होते हैं क्यूब करना। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अगर हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है सबसे कर लो, 2 × 2 × 2 प्लस में 3 × 3 × 3, ऐसा करना सही है या फिर डायरेक्ट इसको याद रखना। 2 का क्यूब कितना था 8 था, और 3 का क्यूब कितना था 9 था, 3 का क्यूब 9 था क्या, नहीं, 3 का क्यूब 27 था, तो और 3 का क्यूब कितना था 27, दोनों को जोड़ दो, 27 और 8, 3 यहाँ पे जोड़ दिए तो 5, तो 3 यहाँ पे 35 यहाँ पे आ जाएगा। देखो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 35 हो जाता है। ये जो बड़ा बड़ा है, ये जो बड़ा बड़ा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × ये कर रहे हो ना, इससे बढ़िया तो है याद कर लो। 10 तक तो नॉर्मली याद रखते हैं ना, और बाकी याद रहेगा ना तो हम डायरेक्ट कर पाएंगे यार, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी ज़्यादा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही करते हैं कि फास्ट याद रखते हैं तो बस हो जाता है उनका।